नमस्कार, आपके साथ मैं हूं महेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रवार को दिल्ली के स्मृति स्थल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा। देश के वीआईपी से लेकर आम लोग तक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहे। वाजपेयी को मुखाग्नि देने वाली एक महिला थी और इन महिला का नाम है नमिता भट्टाचार्य। दरअसल नमिता अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री हैं। नमिता राजकुमारी कौल और प्रोफेसर बीएन कौल की बेटी हैं। उन्हें वाजपेयी ने गोद लिया था। नमिता कौल के पति रंजन भट्टाचार्य वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। उनका होटल का व्यवसाय भी रहा है। दरअसल वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान पीएम दफ्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र, प्रधानमंत्री के सचिव एनके सिंह के बाद तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति रंजन भट्टाचार्य थे। दरअसल अपनी बेटी और दामाद पर बहुत अधिक भरोसा करते थे। उनके प्रधानमंत्री रहने तक सात रेस कोर्स में नमिता और रंजन की पकड़ बहुत मजबूत रही। आजीवन अविवाहित रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का नमिता की मां राजकुमारी कौल के साथ रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा। हालांकि वाजपेयी ने इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब राजकुमारी कौल बेटी नमिता और दामाद रंजन के साथ पीएम आवास में रहती थी। अटल हमेशा जो अपने राजनीतिक जीवन में किसी खुली किताब की तरह महसूस होते थे, जिन्हें उनके विरोधी भी प्रेम भरी नज़रों से और सम्मान से देखते थे, उन्हीं अटल के निजी जीवन में या यूं कहें कि प्रेम रूपी खुशियों के आने और गुजर जाने का सिलसिला उतना ही छिपा हुआ नज़र आता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की। उनकी शादी से जुड़ा सवाल जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा था, मैं अविवाहित हूँ पर ब्रह्मचारी नहीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अटल जी के परिवार में कौन कौन लोग थे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार पर दबी जुबान में हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा होती रही है। हालांकि इसका असर उनकी राजनीति पर कभी नहीं दिखा। वाजपेयी का संबंध उनकी कॉलेज के दिनों की दोस्त राजकुमारी कौल के साथ हमेशा जोड़ा गया। दोनों ग्वालियर के मशहूर विक्टोरिया कॉलेज, जो अब रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो चुका है, उसमें साथ साथ पढ़ते थे। श्रीमती कौल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएन कौल से शादी की। जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं पुष्पेश पंत, वो बताते हैं कि जब उन्होंने 50 साल पहले पढ़ाना शुरू किया तो रामजस कॉलेज में उनके हॉस्टल के वार्डन प्रोफेसर कौल थे। उन्होंने उन्हें छोटा भाई मानकर सस्नेह उनका मार्गदर्शन किया। छात्रों के लिए वह और श्रीमती कौल वत्सल अभिभावक थे। वाजपेयी जी कौल दंपत्ति के पारिवारिक मित्र थे। जब वे उनके यहाँ होते थे तो किसी बड़े नेता की मुद्रा में वो कभी नहीं रहते थे। छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते थे, उनके साथ मिलकर बतियाते थे, खाते पीते थे और ठहाके लगाते थे। जब प्रोफेसर कौल अमेरिका चले गए तो श्रीमती कौल अटल के निवास स्थान पर उनके साथ रहने आ गईं। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री कौल का परिवार सात रेसकोर्स रोड पर स्थित प्रधानमंत्री आवास में ही रहता था। उनकी दो बेटियां थीं, जिनमें से छोटी बेटी नमिता को अटल बिहारी वाजपेयी ने गोद ले लिया था। अटल जी और कौल ने कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। सेवी पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में श्रीमती कौल ने कहा कि मैंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस की कि इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए या इस रिश्ते पर कोई सफाई दी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में श्रीमती कौल का कितना असर था, इसका जिक्र आपको करण थापर की किताब में मिल जाएगा। उनकी अभी एक प्रकाशित किताब है जो अभी हाल ही में आई है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। करण थापर अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कभी भी मिस्टर वाजपेयी का इंटरव्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता था तो हमेशा श्रीमती कौल से बात करनी पड़ती थी। अगर कौल एक बार इंटरव्यू का कमिटमेंट कर देती थी तो अटल भी मना नहीं कर सकते थे। साल 2004 की बात करेंगे, जब श्रीमती कौल का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के लिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद लोधी रोड पहुंचे थे। श्रीमती कौल के निधन के कुछ दिन बाद बीबीसी के एक रिपोर्टर ने उनकी दोस्त तलत जमीर से बात की थी। उस वक्त तलत ने कौल और अटल के रिश्ते की गहराई को कुछ यूं बताया था। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी महिला थी, बहुत ही वजादार, बहुत ही मीठा बोलती थी।
उनकी इतनी साफ उर्दू जुबान थी कि जब भी उनसे मिलने प्रधानमंत्री निवास जाती थी तो देखती थी कि वहाँ सब लोग उन्हें माताजी कहकर बुलाते थे। अटल जी के खाने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। रसोईया आकर उन्हीं से पूछता था कि आज खाने में क्या बनाया जाए। उनको टेलीविज़न देखने का बहुत शौक़ था और कभी सीरियल्स डिस्कस किया करती थी। वो कहा करती थी कि मशहूर गीतकार जावेद अख्तर जब पैदा हुए थे तो वो उन्हें देखने अस्पताल गई थी, क्योंकि उनके पिता जानिसार अख्तर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में उन्हें पढ़ाया करते थे। वो जावेद से लगातार संपर्क में भी रहती थी। अटल और श्रीमती कौल का रिश्ता एक बेनाम रिश्ता रहा, जिसके तमाम किस्से राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों की नोटबुक में दर्ज हैं। अटल ने कौल की दूसरी बेटी नमिता को अपनी दत्तक पुत्री के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन श्रीमती कौल के साथ अपने रिश्ते पर वो हमेशा मौन रहे। रिश्ते के बारे में वे शायद अपनी इन पंक्तियों से सब कुछ कह गए कि जन्म मरण अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा, अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोलो, अपने ही मन से कुछ बोलो, अपने ही मन से कुछ बोलो। खबर स्टेशन में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।